मेरे पास मैं बसा करो मगे घर तेरी मांगो कुछ रही मैं आई एवरीवन तो अभी ना मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है पूजा हो चुकी है कान्हा जी के साथ हमने होली खेली है और साथ में आ, बच्चों के साथ भी होली हमने खेली है और आप सबों को ना होली की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे happy और Holy. मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सबों को हैप्पी होली है। और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ किचन में और दोनों देखिए मेरी बच्चियाँ आ गई हैं मेरे साथ सपोर्ट के लिए हमेशा ही मेरे साथ खड़ी रहती है तो यहाँ पे ना थोड़ा सा बनाना है पापड़ी तो कल रात में ही मैं बना करके रख चुकी थी तो उसके लिए अभी मुझे छोले उबालने हैं तो वो मैं यहाँ पे कर लूँगी और उतना ज़्यादा हैवी यहाँ पे मेरा आज नाश्ता नहीं बनेगा क्योंकि जो भी है दही बड़ा वो रात में ही बन चुका है स्वीट्स बने हैं और गुजिया वगैरह तो वही सब हमारा नाश्ता होगा उसके बाद फिर दोपहर में लंच बनेगा तो चलिए फटाफट से मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में और पहले मैं मटर उबाल देती हूँ तो मटर मैंने यहाँ पे डाल दिया है थोड़ा सा नमक थोड़ा वाला सा खाने वाला सोडा और थोड़ा सा मैं डालूँगी जो फूड कलर होता है येलो वाला वो ताकि जो ये छोला है ना वो हमारा बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनकर तैयार हो जाए क्योंकि मार्केट में ना देखते हैं ना ये छोला येल्लो कलर का दिखता है तो वो फूड कलर से ही दिखता है तो वही मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी तो चलिए यहाँ पर सारा कुछ कर लेती हूँ और आज साथ के साथ ढेर सारी चीज़ें भी बनने वाली है फ्रूट कस्टर्ड बनेगा खीर बनेगा दोपहर में फिर लंच बनेगा तो यही सब हमारे यहाँ पे बन रहा है और आप सबों को ना मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी होली और अभी तक ना आपने अगर मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वहाँ भी हमें सब्सक्राइब कीजिएगा ढेर सारा सपोर्ट दीजिएगा वहाँ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ अपने जो मेरे किचन में जो प्रोडक्ट अभी होता अवेलेबल होते हैं ना जो डीआईवाई होते हैं मेरे होम मेड रेमेडीज़ होते हैं उसमें जो हमारे चेहरे को नेचुरल ग्लो देता है तो वही सारे मैं यहाँ पे रेमेडीज़ आपके सामने साथ शेयर करती हूँ और ये मेरा आठ से नौ मंथ का एक्सपीरियंस है आठ से नौ मंथ का अगर आप पहले का मेरा चेहरा देखोगे और अभी का चेहरा देखोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट मिलने वाला है तो मैंने सोचा कि चलो अगर मैं अपने चेहरे को इतना ज़्यादा चेंज कर सकती हूँ तो क्यों ना मैं ये चीज़ें आपके साथ शेयर करूं क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं ना जो घर में रहती है और आ, काम में बिजी रहती है अपने लिए टाइम नहीं निकालती तो मैं उनसे बोलूंगी कि आप ज़्यादा नहीं आप कम से कम दस मिनट का टाइम अपने लिए ज़रूर निकालो तो आप अपना केयर कर सकते हो तो वो चैनल को भी आप मेरा सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि उसमें मैं इसी तरह के जो डी है वो मैं लेकर आती हूँ आप सबों के लिए तो चलिए हमारा यहाँ पे लंच लग चुका है और यहाँ पे देखिए बच्चे और बच्चों के पापा यहाँ पे खेल रहे हैं होली बच्चों के साथ और ये देखिए ये आए थे बच्चों को देखने के लिए ना और बच्चों ने ही इनको पूरा भिगा दिया है आ, कलर से तो देखिए तो यहाँ पे ना बच्चों के साथ साथ ये भी पूरा भींग गए थे तो इन्होंने भी खूब मस्ती की है बच्चों ने भी खूब मस्ती की है और ये सारे बच्चे ना हमारे कैंपस के ही हैं तो उसके बाद फिर इवनिंग के टाइम पे मैं भी निकलूँगी थोड़ा सा कैंपस में ही और उसके बाद इस तरीके से हमारी जो होली है वो कंप्लीट होती है आपने होली अपनी किस तरह से मनाई कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा साथ में आ, वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ और छोटा सा वीडियो था अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर हमारे इधर का वेदर ना बिल्कुल चेंज हो चुका है बादल छा गए हैं आसमान में और बहुत ज़ोरों ज़ोरों से हवा चल रही है और बिल्कुल बारिश की संभावना बन चुकी है देखिए है ना बादल छा चुके हैं और पता नहीं अब बारिश हो जाए बस वही अभी चल रहा है तो देखिए देखते हैं क्या होता है